वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हमारी डेट है 3rd ऑफ अगस्त। मैं आज आपके साथ सारे क्वेश्चंस करा दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के, तो जल्दी से जिन बच्चों को याद नहीं है उन बच्चों को फटाफट रिवाइज करा देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पार्टनरशिप के अंदर, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम है जैसा 11th में होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। चलिए ये हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज कर लें मेरे साथ साथ। ये वाली साइड हो गई डेबिट क्रेडिट। दोस्तों यहाँ पे हमेशा एक्सपेंसेस आएंगे और अगर कोई नुकसान हुआ है लॉस हुआ है तो यहाँ आएगा। इधर आती हैं इनकम्स, और अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, कोई भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो यहाँ आएगा। तो यही हमारा जो कह सकते हैं मूल मंत्र है। टीएस ग्रेवाल सर ने बताया है कि अगर आपकी असेट्स अगर कम होती हैं, यानी उन्होंने बताया है आपकी असेट्स अगर डिक्रीज होती हैं, ऑफ कोर्स अगर हमारी असेट्स कम होंगी तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो मैं ग्रेवाल सर का भी फॉर्मेट यहां लिख देता हूं। और अगर आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहां आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का बढ़ना भी आपके लिए क्या होता है, लॉस। इसका रिवर्स कर देते हैं, असेट्स जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अगर असेट्स इंक्रीज हो रही हैं, आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स आपको क्या होगा, आप सबको प्रॉफिट होगा। और अगर आपकी जो लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो भी आपको फायदा है। तो इस तरह से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और रीवैल्यूएशन अकाउंट। कुछ नई बातें भी सीखी थी, समटाइम्स कुछ चीजें होती हैं अनरिकॉर्डेड, यानी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपका नुकसान है, और कई बार होती हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स, नाम से पता लग रहा है अनरिकॉर्डेड, जिनके बारे में आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था, तो दीज आर कॉल्ड असेट्स। क्वेश्चन हमारा, फॉर्मेट हमारा खत्म। जो भी लास्ट में डिफरेंस बचता है, अगर इधर डिफरेंस बचता है तो आप बोलते हैं दिस इज प्रॉफिट, जो लास्ट में बचता है, और अगर इधर डिफरेंस बचता है तो उसे क्या बोलते हैं, लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक ही बात आपने याद रखनी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर ओल्ड रेशियो। हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी पार्टनरशिप में। मैं जब भी बात करता हूँ रीवैल्यूएशन की, इसका मतलब मैं आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 सारे चैप्टर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। डोंट वरी कि आपके सिलेबस में क्या पोर्शन आएगा। अब चलते हैं हम आगे, एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले आसान सा कराता हूं, जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। ये देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं आसान से, फिर मुश्किल मुश्किल पे चलेंगे स्पीड से। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1, यानी ये कौन सी रेशियो हो गई, ये हो गई ओल्ड रेशियो। तीन पार्टनर थे एबीसी। ऑन रिटायरमेंट ऑफ सी, सी चला गया, रिटायरमेंट हो गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्या ओल्ड में ए और बी और सी थे, यस और नो। बेटा क्या ओल्ड रेशियो में सी था, सो आंसर इज यस, वेरी गुड, अगर था तो उसको मिलेगा, बस खत्म कहानी। असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, पहला क्वेश्चन आसान है, यहां दी है बुक वैल्यू। आप सब बच्चों को मैंने बताया था बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट, इसका मतलब बैलेंस शीट में है 35,000, और रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि अब मार्केट में क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू।
तो जरा कंपेयर कर लेते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारी एक असेट है, पहले 35,000 थी, अब कितनी हो गई 46,000। मैं यहां पे बना देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, बस यहीं पे बना देता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो मैंने छोटा सा बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, 35 से 46 हो गए दोस्तों। फॉर्मेट आपके सामने है, आपकी असेट बढ़ रही है, अगर असेट बढ़ती है तो यहाँ पे आएगा कितने का प्रॉफिट हो गया 11,000, ये प्रॉफिट हो गया बिल्डिंग पर। स्टॉक भी आपकी असेट है, 15 से 13,000 हो गया, असेट आपकी 15 थी पहले, अब हो गई 13,000, यानी असेट्स कम हो गई, नुकसान हो गया 2,000 का नुकसान हो गया स्टॉक पर। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, पहले थी 50,000, बैलेंस शीट में थी 50,000 और अब हो गई 49, लाइबिलिटी कम हो रही है। दोस्तों लाइबिलिटी अगर कम होती है तो आपको होता है प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो गया 1,000 का। तो ये आ गए आपके क्रेडिटर्स, खत्म हो गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आसान था जिससे आप सब बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए मैं टोटल करता हूँ फटाफट, टोटल आ रहा है 11 और 1 12,000, इधर का टोटल आ रहा है 12,000, 12 में से 10 गए, 2,000 गए, तो डिफरेंस आया 10,000। ये है आपका प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए में भी, बी में भी, सी में भी। क्या रेशो थी उनकी, 2:2:1, तो इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो कितना आएगा, ए को मिलेगा 4,000 और 2,000। तो ये मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन करा दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट का। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज, तो अभी जर्नल एंट्रीज नहीं कराई, अभी तो मैंने आपको सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया है, फिर आगे चल के जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। कुछ और भी मुझे पॉइंट्स याद आ गए, आप बच्चों को याद दिला देता हूं। बेटा कभी भी लिखा होता है एट और टू, हमने लॉजिक भी समझा था और मैंने आपको स्कूल का तरीका भी याद कराया था। कभी भी एट और टू लिखा होता है तो आप सब बच्चों ने सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, जैसे मैंने अभी डिफरेंस निकाला था, फिर आएगा रीवैल्यूएशन। मैंने भी अभी डिफरेंस निकाला था, अगर आप ध्यान से देखें मैंने बैलेंस शीट और रिवाइज वैल्यू में क्या निकाला था, डिफरेंस। तो ये हमने कुछ ऐसी बेसिक बातें याद कर ली थी, जिससे अगर लिखा होता है बाई, बाई वाला अमाउंट सीधा आता है डायरेक्ट आता है रीवैल्यूएशन के अंदर। तो इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान रखेंगे, एट और टू और बाई, वेरी गुड। और अब हम और चलते हैं क्वेश्चंस, धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल भी आएंगे। पहला क्वेश्चन आसान था इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, चलिए आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मुझे आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने हैं तो आप सारे फोकस रखेंगे इसके ऊपर। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। इट मींस 7:3 कौन सी रेशियो हो गई, ओल्ड रेशियो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये लाइबिलिटीज हैं, ये असेट्स हैं। आराम से देखो, बस ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डेटर हैं, लेस प्रोविजन। चलिए इसी बात पे ये बता दीजिए दोस्तों, प्रोविजन असेट होती है या लाइबिलिटी, मैं आप सब बच्चों से पूछता हूँ, जल्दी से बताइए प्रोविजन हमारी असेट है या लाइबिलिटी, फटाफट। बेटा आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से नायरा स्पीड से बताइए फटाफट। ईशा, हिमांशी, जल्दी जल्दी, क्या होती है हमारी लाइबिलिटी होती है, फिर फर्नीचर स्टॉक कैश इन हैंड दिया हुआ है। इधर चलते हैं, कैपिटल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रिजर्व्स हैं, कुछ गुल्लकें पड़ी हुई हैं और क्रेडिटर्स हैं। ऑन 1 अप्रैल सी जॉइंस द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर, यानी सी का क्या हुआ है, एडमिशन। मुझे इस लाइन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं हमेशा किस रेशो में बांटता हूँ, ओल्ड रेशो में। ए और बी को मिलेगा सिर्फ, सी को नहीं मिलेगा।
फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, फर्स्ट लाइन से कोई मतलब नहीं, आप पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है स्टॉक इन ट्रेड, इसका यही मतलब होता है कि सर स्टॉक, कंफ्यूज नहीं होना। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, जो ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जो व्यापार में स्टॉक यूज होता है वही है ये वाला स्टॉक। इज रिड्यूस, कम हो गया बाई 40%, बेटा बाई लिखा हुआ है। और आगे चलते हैं, फर्नीचर रिड्यूस, फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ है बट लिखा है 240%। सीबीएसई आपसे सब कुछ पूछ लेगी, दिमाग लगाना है, ध्यान से। मैं आपको यहाँ पे बनाना सिखाता हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप सब बच्चे अपने आप कैलकुलेट करें रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक भी कम हुआ है यहाँ पे, यानी स्टॉक यहाँ आएगा, रिड्यूस हुआ है। फर्नीचर भी रिड्यूस हुआ है, फर्नीचर भी यहाँ पे आएगा, दोनों कम हुए हैं इसलिए यहाँ पे आएगा। स्टॉक में बाई लिखा है, बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है, करें जरा 50,000 का 40%, सीधा 50,000 का 40% होता है 20,000। वेरी गुड युक्ति। और चलते हैं, फर्नीचर में लिखा है रिड्यूस टू, इसका मतलब आपको डिफरेंस निकालना है। फर्नीचर पहले 30,000 का था, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। फर्नीचर पहले 30,000 था, अब हमने निकाला रिड्यूस टू 40%, तो 30,000 का 40% कितना होता है, ये होता है 12,000। क्वेश्चन ये है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्योंकि तो यहाँ टू लिखा है, तो डिफरेंस आया 18,000। बेटा गलत नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चों का कुछ आंसर्स गलत भी आ रहे थे, बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज यहाँ पे टू लिखा था, छोटी छोटी मिस्टेक्स। इतनी बात हमें समझ आ गई। सेकंड पॉइंट में ए, पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है, लायबिलिटी है। किसने पे कर दी, दोस्तों ए ने पे कर दी। पहली बात, अगर कोई भी पार्टनर आपकी लायबिलिटी पे करता है तो मैंने आपको बताया था वो इतना शरीफ नहीं है, बेटा इतना शरीफ नहीं है। वो पैसे फाइनली किससे मांगेगा, वो पैसे मांगेगा फर्म से। इसका मतलब वेन एवर पार्टनर पे द लायबिलिटी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा समझ के चलेंगे। पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी है, इट मींस नो एंट्री इन रीवैल्यूएशन। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं। यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, ये देखो आप, ये है फर्म। दोस्तों फर्म की एक लायबिलिटी है, फर्म की एक लायबिलिटी है जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये लायबिलिटी फर्म की है, बट यहाँ पे एक पार्टनर है ए, ए ने कहा मैं इस लायबिलिटी को पे कर दूंगा, तो ए ने लायबिलिटी तो पे कर दी, बट अब फाइनली फर्म को बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं देना पड़ेगा, बट फर्म को पैसा किसे देना पड़ेगा, ए को, क्योंकि ए इतना शरीफ नहीं है कि वो अपनी पॉकेट से दे दे। तो फर्म को क्या हुआ, पहले फर्म को बाहर वालों को देना था, अब फर्म को पैसा ए को देना है। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्म को कुछ नहीं हुआ। पहले बैंक ओवरड्राफ्ट को देना था, अब पैसा पार्टनर को देना है, खत्म कहानी। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं जरा इसकी टोटलिंग कर देता हूं, टोटलिंग में आया 38,000। यहां पे लिखा मैंने 38,000। अब सर डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, लॉस। और किस में बटेगा, हमेशा ओल्ड पार्टनर्स। बेटा जल्दी से बताओ क्या सी को मिलेगा, सोच के बताओ क्या लॉस सी को मिलेगा, फटाफट बताएंगे यस और नो, पार्टिसिपेट करें सारे बच्चे, क्या सी को मिलेगा।
बेटा सी को कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल वेरी गुड। और रेशो में मुझे बच्चों ने बता भी दिया, 38,000 को अगर मैं 7:3 में बांटता हूं तो कितना कितना आएगा, ये आएगा 26,600 और ये आएगा 11,400। इस तरह से आपने क्या बांट दिया, लॉस बांट दिया। यानी इसके अंदर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली। और जब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ डिटेल के अंदर, तो आप ये भी मेरे साथ सीख लें एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों जर्नल एंट्री बड़ा आसान है, 11th अगर नहीं आती तो और भी आसान हो गया। बस मेरी छोटी सी बात याद रखना, बैलेंस शीट में ये वाली साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड होती है क्रेडिट साइड, बस कहानी खत्म। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आपने क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। ये क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। मैं कह रहा हूं खत्म कर दिया, जल्दी बताओ खत्म करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं क्या करूंगा, क्या कहते हो, मैं क्रेडिट करूंगा या मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट करूंगा। बेटा इतना कॉमन सेंस हर बच्चे के अंदर है, सर ये क्रेडिट हो रहा है और आप पे कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, इसका मतलब आप डेबिट कर दोगे। आपने डेबिट कर दिया 20,000 और नीचे किसका नाम आएगा, किसने पे करा है, ए ने पे करा है, तो नीचे नाम आएगा ए। ए पार्टनर है, पार्टनर है इसलिए हमने क्या लिख दिया, एस कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल एंट्री है, जर्नल एंट्री करना बड़ा आसान, खत्म। बैंक ओवरड्राफ्ट की मैंने एंट्री करा दी है, एक लायबिलिटी खत्म, दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिनिश, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, संजना एंड अलोक इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं, एक संजना है और अलोक है, और उनकी रेशियो दे रखी है 3:2। कौन सी रेशियो हो गई, ये इनकी हो गई ओल्ड रेशियो। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट, दोस्तों बैलेंस शीट दे रखी है लायबिलिटी साइड और असेट साइड। आपको याद दिला देता हूं, लायबिलिटी साइड क्या होती है क्रेडिट और असेट साइड क्या होती है डेबिट। इससे आप बहुत आराम से जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। नीचे लिखा है ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट निधि, निधि को बुलाया न्यू पार्टनर के लिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज बाय, बेटा स्टॉक को बढ़ाना है। फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस, फर्नीचर को कम करना है, टू लिखा है। मैंने आपको पहले ही बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब दोबारा से देखते हैं जल्दी से, रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू और बाई की कहानी समझ आनी चाहिए। अब अपने आप सोचो क्या होना चाहिए, आंसर है या गलत कर रहा है, पहले आपके दिमाग में अपने आप चलना चाहिए। इंक्रीज बाय लिखा है तो स्टॉक को तो हम सीधा निकाल देंगे, 150,000 का 20% होता है 30,000, स्टॉक इंक्रीज हुआ है, हमारी असेट बढ़ गई, 30,000 से सीधा आंसर निकाल दिया 20%। फर्नीचर में लिखा है 90%, तो फर्नीचर है कितने का, ये रहा 3 लाख, 3 लाख का 90% होता है 2,70,000। बट क्वेश्चन ये है, यहाँ 2 लिखा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा डिफरेंस, तो डिफरेंस आ रहा है 30,000। फर्नीचर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर। बेटर 2 और 2 समझ लेना, डिफरेंस निकालते हैं और डायरेक्ट अमाउंट आता है। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये रही, इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट,
मैंने बताया था एट और टू में क्या देखते हैं डिफरेंस। 2,60,000 की थी और 3 लाख। दोस्तों पहले थी 260, अब हो गई 3 लाख। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फटाफट। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इन्वेस्टमेंट में सर 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। और आगे लिखा है अलोक, अलोक कौन था, पार्टनर था। टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, दिस का मतलब 3 लाख, 3 लाख में वो लेके चला गया। हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो प्रॉफिट हो गया बस, खत्म बात। अलोक लेके जाए, कोई बाहर वाला लेके जाए, ना लेके जाए, हम वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 40,000 का। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ, उससे पहले हम जरा अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आ रहा है 70,000, मैंने यहाँ भी लिखा 70,000। 70 में से 30,000 गए, जो डिफरेंस आया दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आया, 40,000। प्रॉफिट किस किस को मिलेगा, संजना को और अलोक को। उनकी क्या रेशियो थी, रेशियो थी 3:2। तो 40,000 को बांटे। अभी मैं आयुष आपका डाउट लूंगा, डोंट वरी। 40,000 को अगर 5 से डिवाइड करा, 8,000, 24,000 और 16,000। अब इस वाले पॉइंट में कुछ बच्चों को डाउट है, हम डाउट लेते हैं आराम से, समझेंगे मेरे साथ दोबारा से। बेटा मैं आपको चाहता हूं जर्नल एंट्री समझाना। जिन बच्चों को डाउट है पहले मेरे साथ एंट्री सीखें। ये देखो इन्वेस्टमेंट हो क्या रहा है, बेटा आराम से देखो इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, डेबिट। अलोक टुक ओवर, अलोक ले जा रहा है इन्वेस्टमेंट को। कौन ले जा रहा है, एक पार्टनर ले जा रहा है। याद करो हमने बचपन में पढ़ा था, अगर कोई पार्टनर बिजनेस का सामान अपने घर ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर ओनर बिजनेस का सामान घर ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। ड्रॉइंग्स कहते हैं दोस्तों, ड्रॉइंग्स कहते हैं इस। अब मैं आपको जरा एंट्री करके दिखाता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, वेरी गुड संजना। इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, डेबिट। वो लेके जा रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट वो लेके जा रहा है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट को उल्टा कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। मैंने अभी आपको सिखाया भी था, जैसे लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट। असेट्स डेबिट हो रही हैं तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट ले गया, पता है इन्वेस्टमेंट कितने की थी, इन्वेस्टमेंट थी 2,60,000 की। हमारे पास सामान कितने का था, 2,60,000 का, हमने क्रेडिट कर दिया, ले गया। कौन ले गया, अलोक। इसका मतलब ऊपर किसका नाम आएगा, अलोक का। अलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आप सब बच्चों को पता है इससे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। मैं तो बस आपको ये बताता हूं, अगर एक चीज पता चल गई, ये पता लग गया, तो ये तो कोई भी बच्चा निकाल लेगा। बट अलोक कितने में ले गया, लिखा था एट दिस वैल्यू, अलोक लेके गया है 3 लाख में। 2,60,000 का सामान वो कितने में ले गया, 3 लाख में। साफ पता लग रहा है सर, डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस का मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेक करो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और मैंने भी यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन को क्या करा है, मैंने भी क्या करा है, क्रेडिट। तो आपके साथ थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स मुश्किल मुश्किल भी आएंगी। आप ये सोचोगे असेट्स ले गया, बेटा असेट्स ले गया तो पार्टनर से आप पैसा लोगे, इसका मतलब ये नहीं है आपको नुकसान हो गया, आपको उल्टा यहाँ पे 40,000 का फायदा हो गया। चलो ये भी बात समझ आ गई।
मुझे एक बात बताओ, एक दो बच्चों को डाउट हैं तो हम डाउट्स के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर बेटा, हमारे इंस्टीट्यूट में एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है। वाइट बोर्ड की कॉस्ट है 4,000 रुपये। पहला क्वेश्चन आप सब बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, पहले ये बताओ ये वाइट बोर्ड असेट है या लाइबिलिटी है? पहले क्वेश्चन का आंसर ये बताएं, व्हाइट बोर्ड असेट है या लाइबिलिटी है? जल्दी से बताइए। व्हाइट बोर्ड फ्रेंड्स असेट है हमारा। मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए, आप ही सब बताएंगे मुझे। असेट तो है, ये असेट मेरी है, गौरव सर की है, या ये साईं विनायक फर्म की है? बेटा ये व्हाइट बोर्ड मेरा है, गौरव सर का है, या फर्म का है? जल्दी से बताओ। प्रैक्टिकली चलोगे तो चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। ये किसका है? ये साईं विनायक का है। अब सुनो आगे, यहां पे एक आउटसाइडर खड़ा है और यहां पे हमारा एक पार्टनर खड़े हैं गौरव सर। यहाँ पे कोई बाहर का पर्सन खड़ा है और इधर खड़ा है गौरव सर। 4,000 का व्हाइट बोर्ड है, बाहर वाला कहता है ये व्हाइट बोर्ड मुझे दे दो। बाहर वाला कहता है ये व्हाइट बोर्ड मुझे दे दो। फर्म ने कहा कितने पैसों में लोगे? बाहर वाले ने कहा मैं लूंगा 3,000 रुपये में। बेटा जल्दी बताओ, फर्म को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 4,000 का सामान आउटसाइडर लेना चाहता है 3,000 में, फर्म को क्या हुआ? आपको फर्म से मतलब है, फर्म को क्या हुआ? फर्म को लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1,000 का। इतनी बात आप सबको समझ आ गई। बस अब दिक्कत कहाँ है, इसको भूल जाओ। गौरव सर कह रहे हैं मैं व्हाइट बोर्ड अपने पास ले जाना चाहता हूं, तो फर्म ने कहा ले जाओ, मगर कितने में लेके जाओगे? गौरव सर ने कहा मैं ये व्हाइट बोर्ड ले जाऊंगा 3,500 में। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बाहर वाला हो या पार्टनर हो, 4,000 का सामान अगर गौरव सर 3,500 में ले गए, बताओ फर्म को क्या होगा? बेटा इमोशनल होके मत सोचना कि गौरव सर मालिक हैं, पार्टनर हैं। प्रैक्टिकली सोचो फर्म को क्या होगा। फर्म को होगा लॉस। कितने का लॉस होगा? 500 रुपये का। तो इट हार्डली मैटर्स कि कोई पार्टनर लेके जाए या बाहर वाला जाए, इट्स हार्डली मैटर्स। आपने बस ये देखना है कि सर कोई भी लेके जाए फर्म को क्या होता है? लॉस होता है। तो इन द सेम वे मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में। होप अब डाउट नहीं होगा। आयुष एनी डाउट्स? चलिए अब हम चलते हैं और आगे। मैं कुछ और भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटे जितने क्वेश्चंस आज हो गए बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आप सब बच्चों के साथ। क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ लेते हैं, सर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। रमन एंड रोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये कौन सी रेशियो हो गई? ओल्ड रेशियो। बस ओल्ड रेशियो में बांटना है, खत्म। बैलेंस शीट दे रखी है, लायबिलिटी साइड कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। असेट साइड कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। बस खत्म, उल्टा कर दिया करो, खत्म। आगे सारी बातें लिखी हुई हैं। डेटर्स हैं, लेस प्रोविजन। प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी। प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, स्टॉक, बैंक बैलेंस, यहाँ लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स। चलिए अब पढ़ते हैं। ऑन द अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर, वी आर लीस्ट बॉदर्ड हु इज एडमिटेड, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऑलवेज कंसिडर ओल्ड रेशियो। और आगे चलते हैं, नीचे लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो जल्दी से पहले तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना देते हैं। लो सर, ये लो रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाली साइड डेबिट, ये वाली साइड क्रेडिट। बेटा कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको करा दिया अपने असाइनमेंट के थ्रू। आपके पास टीएस ग्रेवाल सर की बुक हो या डीके गोयल सर की बुक, उसमें जितनी भी इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं उन इलिस्ट्रेशंस को आप सॉल्व करो और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ये खत्म होते ही मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा सारा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए फर्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय लिखा है, रिड्यूस लिखा है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई। बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है 35,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस लिखा है, ये भी सर रिड्यूस होगा। यहाँ पे लिखा फर्नीचर एंड फिक्सचर, बट यहाँ लिखा है टू, टू का मतलब डिफरेंस 65,000 और 58,500। हाँ जी, कितना डिफरेंस हो गया? 1500 का नहीं, 1500 नहीं, कितना आ गया? 5 और 1 6,500 डिफरेंस आ गया 65,000। और देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको पता होना चाहिए प्रोविजन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है दोस्तों, लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, नुकसान। और यहां लिखा है बाई, 3,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, ये भी खत्म। फोर्थ पॉइंट, अ क्लेम, 16,000 का क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कर को चोट लगी है, वर्कर को चोट लगी है और वो कितने पैसे मांग रहा है? 16,000। ये आपका नुकसान है, 16,000 का नुकसान है। बट चेक करो, क्या आपने कोई गुल्लक बना रखी है? दोस्तों 16,000 का आपका नुकसान है, बट आपने गुल्लक बना रखी है 40,000 की, तो ये नुकसान क्या आपकी पॉकेट से जाएगा? बस इतना बता दो, क्या ये नुकसान आपकी पॉकेट से जाएगा, यस और नो? वेरी गुड, चलो कुछ बच्चों को क्लियर है, वेरी गुड नायरा। बेटा क्या ये नुकसान आपकी पॉकेट से जाएगा? सो आंसर इज नो। ये कहाँ से जाएगा? ये इस गुल्लक से निकलेगा, इस गुल्लक से निकलेगा, इसका मतलब रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। वेरी गुड, रीवैल्यूएशन के अंदर नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट, अ लायबिलिटी रिजर्व से जाएगा। वेरी गुड जपनीत, लायबिलिटी है 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। कह रहे हैं ये जो क्रेडिटर्स हैं इसके अंदर एक 2,500 की लायबिलिटी इंक्लूड है, यानी इसके अंदर 2,500 की एक लायबिलिटी है, नॉट likely to arise। दोस्तों वो पैसा नहीं मांग रहे, इस 160 में से 2,500 पैसा नहीं मांग रहे। अगर नहीं मांग रहे तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। वेरी गुड काशी, लाइबिलिटी कम हो गई, इसका मतलब आपको क्या हो गया? खत्म, आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। लाइबिलिटी कम हो गई तो फायदा, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए जल्दी देखते हैं सर टोटल कितना आ रहा है। यहाँ पे टोटल आ रहा है 35,639, ये हो गया 44,500। 35 और 6 होते हैं 41, 44,500, यहाँ पे लिखा 44,500। हाँ जी वेरी गुड, उसमें से 2,500 गए तो फाइनली 44 में से 2,500 गए तो आपके पास लॉस आ गया। लॉस कितने का आ गया? 42 का। और वो लॉस किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? रमन और रोहित में, 2:1। कितना लॉस निकला है? 42,000। इसको बांट देते हैं जरा 2:1 के अंदर, 42,000 डिवाइड बाई 3, इसको मिलेगा 14,000 और इसे मिलेगा 28,000। चलिए वेरी गुड,
बेटा आप सब भी कैलकुलेशन किया करो मेरे से पहले, तो आप सबको भी समझ आएगा कि सर किस तरह से हमारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब और स्पीड जरा इंक्रीज कर लेते हैं। ओम, राम और शांति तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2:1 ओल्ड रेशो। नीचे लिखा है हनुमान वॉज एडमिटेड, हमें कोई मतलब नहीं हनुमान से। फर्स्ट पॉइंट, ही विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल। बेटा कैपिटल से आपको अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैपिटल रिवैल्यूएशन में नहीं आता। मुझे ये सिखाना है आपको इसका ट्रीटमेंट, बट ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। अभी हम क्या सीख रहे हैं, रिवैल्यूएशन। तो कैपिटल वाली एडजस्टमेंट कभी नहीं आएगी रिवैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 2, अ लाइबिलिटी ऑफ 18,000 विल बी क्रिएटेड। खुद ही कह रहे हैं एक लाइबिलिटी दोस्तों क्रिएट करनी है। अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, चेक करो क्या कोई लाइबिलिटी में लिखा है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। नहीं लिखा, लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखा बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। इसी चीज को तो आप सब बच्चे कहते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, बनानी है, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%, रिड्यूस हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है बाय 10%। तो ये हम दोनों का हो गया। इस क्वेश्चन को मुझे लगता है बहुत आसान है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इन दोनों को रिड्यूस करना है, इसे इंक्रीज करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, 5th मैंने करा दिया, 6th अभी छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, रेशो नहीं गिवन। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, कह रहे थे सर रेशो नहीं गिवन। बेटा अगर रेशो नहीं गिवन तो मैंने आपको बताया था क्या होती है, इक्वली होती है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी हो गई, इक्वली। वेरी गुड आयुष। ए की डेथ हो गई, ए डाइड, हमें क्या करना, हम ए को प्रॉफिट देंगे, बी को भी देंगे, सी को भी देंगे ओल्ड रेशो में, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर ये बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बस मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, एज डेथ इट वॉज फाउंड पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब होता है जीरो, निल। पेटेंट्स कितने थे 8,000 के दोस्तों, जीरो हो गए। 8,000 के पेटेंट्स जीरो हो गए। ये देखो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। पेटेंट्स जीरो हो गए, इसका मतलब आपको नुकसान हो गया। मैंने यहाँ लिखा पेटेंट्स, कितना नुकसान हो गया, 8,000। और चलते हैं, फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू, टू का मतलब डिफरेंस। फर्नीचर था 30,000 का, ब्रॉट डाउन कम हो गया 24,000 का हो गया, यानी कितना कम हो गया, 6,000 रुपए से फर्नीचर कम हो गया। मैंने यहां लिखा फर्नीचर। प्लांट रिड्यूस बाय लिखा है, वेरी गुड काशी, रिड्यूस हो गया, प्लांट भी रिड्यूस हो गया, 10,000 डायरेक्ट लिखते हैं प्लांट। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं ग्रेवाल सर की बुक। देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, दोस्तों वर्कर को चोट लगी है, कितने पैसे मांग रहा है 7,000। चेक करो क्या हमने कोई गुल्लक बना रखी है, बेटा चेक करो क्या हमने कोई गुल्लक बना रखी है, यस। इसका मतलब सर ये जो नुकसान है ये आपकी पॉकेट से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, गुल्लक से जाएगा।
तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। बस दो सर, क्वेश्चन इतना आसान सा था, जरा टोटलिंग करते हैं। 8, 6 और 10 कितना आ गया? बच्चों ने बता भी दिया, 24,000। 24,000 इधर डिफरेंस आ रहा है, आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड लॉस। कितना लॉस आएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ए बी सी, और टोटल लॉस कितना आएगा? 24,000। मैं जरा पार्टनर्स में बांट देता हूं इक्वली, 8,000, 8,000, 8,000 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेटा आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे से पहले वो क्वेश्चंस करके रखेंगे, और आप चेक करेंगे क्या हमारी कोई मिस्टेक है या नहीं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आइए जरा ध्यान। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू आर, और उनकी रेशियो है 3:2। कौन सी रेशियो है? ओल्ड रेशियो। क्यू रिटायर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट पॉइंट, प्रिमाइसिस। प्रिमाइसिस क्या है? प्रिमाइसिस आपकी असेट्स हैं। विल बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ गई। दोस्तों आपकी असेट बढ़ गई, अगर असेट्स बढ़ती हैं तो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। बाई 2%, 2% से बढ़ गई, तो 96,900 का 2%, 96,900 का 2%, 1938। प्रिमाइसिस बढ़ गई 1938। फर्नीचर विल बी एप्रिशिएटेड, फर्नीचर भी एप्रिशिएट हुआ है। लो मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर, बट यहाँ लिखा है बाई। फर्नीचर बढ़ गया 1700 से, डायरेक्ट अमाउंट आएगा। स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है, तो स्टॉक पे क्या लगा है? डेप्रिशिएट। कितना है? बाय 10%। जरा निकालें स्टॉक, 9000 का 10% होता है 900। खत्म। पॉइंट नंबर 2, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है। जरा चेक करते हैं, वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स। बेटा ये रहे डेटर्स 6,000। मैंने आपको हमेशा बताया ग्रॉस वैल्यू लेते हैं, कभी भी 5,600 मत लेना, हमेशा ग्रॉस वैल्यू। कितनी है? 6,000। 6,000 का 5% कितना होता है? 6,000 का 5% होता है 300। 5% प्रोविजन बनाना है, 300 बनाना है। मेरी नजर गई प्रोविजन पर, प्रोविजन तो पहले ही 400 बना हुआ है। वो कह रहे हैं सिर्फ बनाना है 300 रुपए, 400 पहले ही बना हुआ है, मैं क्या करूं? दोस्तों ये मेरी लायबिलिटी है, 400 कह रहे हैं बनाना है 300, लायबिलिटी को मुझे खत्म करना पड़ेगा। और लायबिलिटी अगर खत्म होगा तो आएगी यहाँ पे, कितनी लायबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी मुझे? 100 रुपीज से। 100 रुपीज से कम करूंगा तो अपने आप कितने बन जाएंगे? 300। और कह रहे हैं 7200 का लीगल डैमेजेस। बेटा डैमेजेस आप का एक्सपेंस होता है, नुकसान होता है, लीगल डैमेजेस नुकसान हो गया। मैंने आपको पहले ही कहा था सारे एक्सपेंसेस यहां आते हैं, लीगल डैमेजेस। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। पार्टनर्स थे पी क्यू आर, जरा चेक करें टोटल किधर आ रहा है ज्यादा, यहां पे आ रहा है ज्यादा, तो ये हो गया 8100। 81 में से अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास लॉस आ जाता है, और लॉस हम बांट देंगे पी क्यू
क्यू आर रेशियो थी 3:1। ओल्ड रेशियो में बांटना है, जरा माइनस करें 8100 माइनस। बच्चे ने मुझे बता भी दिया, फिर भी मैं कर लेता हूँ 1 - 1 38 और 1700 और 100, ये आ रहा है 4362 डिवाइड बाय 6। तो पहला आंसर आ गया 727 × 2 1454 2181। मैं एक बार रीटैली कर लेता हूँ। तो हमारा इस तरह से आपको लॉस आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा खत्म। 10 को रिवाइज करेंगे दोस्तों, और आज की क्लास में इतना ही। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीबॉडी।